हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथपर रिव्यूअर। और मैं अपनी आवाज़ में आपको फिर से एक अतरंगी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की, जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से मॉडर्न थी। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न पहनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उससे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा, ना आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियाँ करते हैं आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सुनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों में पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे, खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा कराना है, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं। खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? अनुकंचन, तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं, मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आज वही काम आए। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे, उसे आज खुद के
खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यूथेपा रिव्यूअर को आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की कहानियाँ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।